तो बेसिकली अब हम क्या करने वाले हैं, जिस तरह से हमने लाइक के आगे थम्स अप बनाया है, सिमिलरली हम इन्फो और डिलीट के आगे भी बना देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं, कॉपी है बस, कंट्रोल से कॉपी करेंगे। अच्छा, इसको हटाऊंगे, रहने दें, चलो रहने देते हैं। हम आ गए अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने पहले बनाया था लाइक के लिए, ये वाला बनाया था हमने थम्स अप, है ना। अब हम सेम लाइन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, होगा क्या, सारे के सारे थम्स अप हैं, काम तो चलेगा नहीं। तो चेंज करने का तरीका है, इन्फो बटन के लिए क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे इन्फो सर्कल का यूज़ होता है ना, इन्फो सर्कल, मेरे को नाम याद है, आपको भी हो जाएंगे एक दो बार यूज़ करोगे, है ना, क्योंकि ये सारे तो कॉमन होते हैं। इन्फो सर्कल यूज़ करते हैं, इन्फो का एक सर्कल बना हुआ आता है, तो अभी आपको दिख जाएगा। और डिलीट के लिए ट्रैश यूज़ करते हैं, ट्रैश मतलब कूड़ा, है ना। सेव कर दिया इसको, एंड जैसे ही रिफ्रेश करा, गेम हो गया हमारा शुरू। तो देखो, लाइक का बटन, इन्फो का बटन और ट्रैश का बटन, है ना, डस्टबिन का बटन। तो ये हमने यूज़ करा फॉन्ट ऑसम का, काम की चीज़ है बहुत। जैसे अगर आपको इंस्टाग्राम का, फेसबुक का लिंक चाहिए, मतलब सिंबल दिखाना है कि मान लो आप अपनी वेबसाइट में दिखाने जा रहे हैं कि ये मेरे फेसबुक की आईडी है, ये मेरे इंस्टाग्राम की, है ना, तो जस्ट बाय क्लिकिंग दैट लोगो पीपल रीडायरेक्ट हो सकते हैं आपकी आईडी पे। तो सिंपली फॉन्ट ऑसम का यूज़ करते हैं। अलग अलग चीज़ें भी हैं, जैसे अगर आपको बर्ड चाहिए, मतलब इमोजी जिस तरह यूज़ करते हैं ना, सिमिलरली फॉन्ट ऑसम का यूज़ करते हैं, ठीक है।